इससे ज़्यादा गंदा और कुछ नहीं हो सकता इंटरनेट पे, क्योंकि ना ये लड़का है ना ये लड़की है। अ ग्रेट डिजीज देन कैंसर। सारे लड़के लड़कियां लग रहे हैं, बट एक छक्के की मूछ है इसमें। जेंडर डिस्फोरिया और जेंडर आइडेंटिटी से प्रणव सफर कर रहा है, इसको साइकाइट्रिस्ट के लिए अपनी माँ की चप्पल की जरूरत है, ये ठीक हो जाएगा। आई सपोर्ट यू ब्रदर, पर सेप्टम रिंग पहनकर बैल लग रहे हो। प्लीज डोंट मेक रील्स लाइक दिस, इट अफेक्ट्स ओनली ऑन। इससे ज्यादा गंदा और कुछ नहीं हो सकता है। ना ये लड़का है, जेंडर डिस्फोरिया लड़का है या लड़की। जब मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत नेगेटिविटी आई अपने स्कूल से ही कि ये यही कर सकता है, ये छक्का है, ये रील्स ही बना सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कोई भी मैनली चीज़ नहीं कभी करेगा। बट वो चीज़ ने मेरे को रोका नहीं, मैंने उस कमेंट्स को लेकर रील बनानी स्टार्ट करी, मैंने अपनी बोल्ड आवाज़ उठानी स्टार्ट करी। इस बीच में मेरे पापा ने मेरे को दबाया, समाज ने दबाया कि एक लड़का ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि एक लड़का अपने घर की शान होता है, कुल का दीपक होता है लड़का घर के, तो वो लड़का नहीं कर सकता। और मैं फीमेल आइडेंटिफाइंग पर्सन नहीं हूँ, मैं अंदर से एक मेल ही फील करता हूँ, बट लोगों को ये चीज़ समझाना डिफिकल्ट है क्योंकि मेरे कपड़े और मेरी आवाज़ वो चीज़ नहीं बोलते हैं। सो मैंने फर्स्ट रील अपनी लॉकडाउन में बनाई थी, क्योंकि लॉकडाउन में किसी के पास कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने अपनी फर्स्ट रील अपने डॉग के साथ ही डाली थी कि मैं उसको प्यार कर रहा है, मैंने गाना लगाया था। फिर मैं धीरे धीरे आज के टाइम पे आया ट्रांजिशन रील्स के ऊपर, जहाँ पे मैंने जेंडर स्टीरियोटाइपिकल नॉर्म्स को हटा के फैशन को चूज़ करा और मैंने अलग अलग स्टाइलिंग करी अपने ऊपर, अलग अलग कपड़े यूज़ करके जो लोकल कपड़े मिलते हैं हमारे लोकल बाजार में, जैसे सरोजिनी मार्केट में, उनको यूज़ करना स्टार्ट किया। मैंने ब्रांड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया कि कैसे मैं चार ब्रांड्स को मिक्स करके अपना एक आउटफिट बनाता हूँ। उस पर मेरे को काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स मिले क्योंकि एक लड़का बना रहा था, एंड नेगेटिव कमेंट्स मेरे को ऐसे आए कि तू लड़का है, कोई भी लड़कियों जैसे काम मत कर, तेरे पास तो बूब्स नहीं है, तू कैसे शो कर सकता है अपने वो, तू अपनी शर्ट ओपन करके क्यों बैठा हुआ है, तू इतना पतला क्यों है, तेरे बाल इतने लंबे क्यों है, तूने दाढ़ी मूछ के रखी है, अगर तू दाढ़ी मूछ हटा लेगा तो तू पूरा लड़की लगेगा। तो जब ये कमेंट्स आते मेरी रील पे, तो ऑब्वियसली इंसान को बहुत ही यू नो नेगेटिव माइंडसेट में आपका दिमाग चला जाता है, बिकॉज अगर आप अच्छे उसके लिए काम कर रहे हो, अगर आपकी इंटेंशन सही है, उसके बावजूद भी अगर आपको लोग बुली कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेट होते हो। मेरा ऐसा है कि अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती कोई अपनी नेगेटिविटी या हेटरेट मेरे ऊपर डालता है तो मैं रोने लग जाता हूँ। पहले मैं बहुत रोता था कि ये मुझे क्यों कह रहा है, जब मेरी इंटेंशन साफ है, जब मैं काम सही कर रहा हूँ, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं किया, तो लोग मेरे सेंटीमेंट्स को हर्ट क्यों करते हैं। तब कहीं ना कहीं मैंने सीखा कि वो लोग मेरे से रिलेटेड नहीं है, वो लोग मेरी अपकमिंग के लिए, मेरी अपकमिंग जनरेशन के लिए, या मेरी अपब्रिंगिंग के लिए, या मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं खुद अपने पैरों पर स्टैंड आज ले रहा हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। एंड मेरा कोपिंग मैकेनिज्म इसमें यही है कि मैं और रील्स बनाता हूँ। पुरुषतांत्रिक समाज या जो एक पेट्रियार्कल नोशन होता है, सो उससे उसके एक बैकग्राउंड होता है। जो भी आदमी इस तरह के बातें करता है वो औरतों से भी ऐसे बातें करेंगे, वो समलिंगिक लोगों से भी ऐसे बातें करेंगे, वो किसी भी उसको लगेगा जो उससे वीक है उनसे वो इस तरह की बातें करेगा। तो एक बैकग्राउंड का तो सवाल आ ही जाता है, एक वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और किस तरह से वो बड़ा हुआ है, किस नज़रिए से वो चीज़ों को देखता है, सोसाइटी को देखता है, समाज को देखता है, वो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरे साथ जो भी कुछ एक दो ऐसे जो हादसे हुए हैं, मैं बोल सकता हूँ कि उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी काम करता है।
जहाँ पे उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर राइट विंग आइडियोलॉजी है तो वो सोचेगा कि औरतों को कोई राइट्स नहीं मिलना चाहिए ज्यादा, या समलैंगिक लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो उस आइडियोलॉजी के तरफ से भी वो चीज आता है। पहली बात तो इंडिया में जैसे कि ऑफलाइन स्थिति में बुलिंग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, उसी तरह से ऑनलाइन दुनिया में भी साइबर बुलिंग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। मगर इंडिया के कानून में बुलिंग एक अम्ब्रेला टर्म है। बुलिंग और साइबर बुलिंग में बहुत सारे ऐसे चीज़ें और बातें आते हैं जो सब मिला के बुलिंग होती है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो इन प्री रिकग्नाइज्ड बकेट्स या पिजन होल्स में फिट करता है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आईटी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 67 और सेक्शन 67A जो बात करते हैं सेंडिंग ऑब्सीन और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल ऑनलाइन, या फिर आईपीसी में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो साइबर बुलिंग के दायरे में आ सकते हैं, जैसे सेक्शन 153A प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स, सेक्शन 295A आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स, सेक्शन 354A सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्शन 354C वॉयरिज्म, सेक्शन 354D स्टॉकिंग, सेक्शन 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड सेक्शन 509 विच इज़ इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि अभी इंडियन लॉ उस जगह पर पहुंचा है जहां पर स्पेसिफिकली इन टाइप के कमेंट्स को एड्रेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक या विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। तो अभी जैसे जहां तक मुझे लगता है लीगली स्पीकिंग इनका कोई लीगल रिस्पांस नहीं हो पाएगा।